हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइव विद आलोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस के लॉन्च पूल पे एक न्यू प्रोजेक्ट 33rd प्रोजेक्ट जिसका नाम है सुई, ये आ चुका है और उसमें आप चाहेंगे तो पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड में वो टोकन आपको मिल सकता है। अब मोस्ट ऑफ यूजर्स दोस्तों जो बिगनर्स है उनको नहीं पता होता है कि ये बाइनेंस का लॉन्च पूल होता क्या है और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट से क्या बेनिफिट है। अगर नहीं आपको पता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि बाइनेंस का लॉन्च पूल होता क्या है और साथ में आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, कैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ साथ में ये भी बताएंगे कि सुई जो टोकन है, जब ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होगी तो ट्रेडिंग के बाद ये कितना पंप हो सकता है, जैसे ये लॉन्च होगा तो उसके बाद ये कितना पंप आपको दे सकता है और उस पंप के बाद आपको क्या खरीदना चाहिए या फिर रेटेस्ट का वेट करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव भी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और साथ में दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सुई टोकन के बारे में जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पे आ चुका है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 33rd प्रोजेक्ट है, यानी इसकी पहले 32 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है, अब ये 33वां प्रोजेक्ट जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल पे आया है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके बारे में, सुई के बारे में, तो ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और अगर हम देखें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट आपको सही दिखेगा, इनिशियल फेज में सही दिखेगा और इसके वजह से आप देखोगे जैसे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी बहुत सारे एक्सचेंज पे हो रहा है, आपको बाईबिट पे भी इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी देन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो इसके प्राइस में पंप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना हो सकता है वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का रिव्यू अभी नहीं करेंगे, ओवरऑल बता देता हूं सही प्रोजेक्ट है, पंप आपको दिखेगा लेकिन उस पंप के बाद करना क्या है, जो मिस कर जाएंगे पंप को उसके बाद करना क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूं। अभी पहले बाइनेंस के लॉन्च पूल के बारे में आपको समझा दूं। देखो बाइनेंस का लॉन्च पूल आपने नाम सुना होगा और दूसरा बाइनेंस लॉन्च पैड, दो नाम आप अक्सर सुनते होंगे। तो लॉन्च पैड के बारे में दोस्तों अभी हाल फिलहाल मैंने एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लॉन्च पैड का मतलब होता है कि प्रीसेल जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो और लॉन्च पूल का मतलब होता है एयर ड्रॉप। सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं जो आप इजी तरीके से समझ सकते हो। बाइनेंस लॉन्च पूल का मतलब एयर ड्रॉप, जैसे कोई भी एयर ड्रॉप आता है तो उसमें आप क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आपको टास्क दिया जाता है, जैसे ट्विटर पे आपको फॉलो करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, टैग्स करना है अपने फ्रेंड को, तो ऐसे कुछ आपको टास्क दिए जाते हैं जिसके बाद आपको एयर ड्रॉप मिलता है। लेकिन बाइनेंस के लॉन्च पूल पे यानी एयर ड्रॉप जो आता है यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेट करने का अलग नियम होता है। यहाँ पर केवल जो आपको टास्क दिया जाता है कि आप BNB या कोई और टोकन आपको उसको स्टेकिंग पे लगाना है, जितना टाइम तक आप स्टेकिंग पे लगाएंगे यानी जब तक इवेंट चलेगा तब तक आप स्टेकिंग पे लगाएंगे, हर घंटे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये सुई टोकन मिलेगा। यानी जो भी बाइनेंस का लॉन्च पूल पे जो भी प्रोजेक्ट रनिंग में होगा, चल रहा होगा, अगर आप BNB को या कोई अदर टोकन को जो बताया जाएगा उस टोकन को स्टेक करेंगे देन ये रिवॉर्ड में मिल जाएगा। तो इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने का यही सिंपल होता है कि आप अपने BNB को स्टेकिंग पे लगाएं। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए लॉन्च पूल का डिटेल के बारे में बात करते हैं, फिर बताएंगे कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे। आपको तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि लॉन्च पूल मींस एयर ड्रॉप, लेकिन यहां पार्टिसिपेट करने का कुछ अलग तरीका है, आपको भी टास्क दिया जा रहा है स्टेकिंग करने का। तो यहां पर देखो कि जो इस टोकन का जो टोटल सप्लाई रहने वाला है 10 बिलियन सुई टोकन का रहने वाला है, 10 बिलियन रहेगा टोकन का सप्लाई। और लेकिन इस बाइनेंस के लॉन्च पूल पे जो टोकन का रिवॉर्ड जो रहने वाला है ओनली 0.4%, यानी टोटल सप्लाई का 40 मिलियन ही सुई टोकन जो है रिवॉर्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, लॉन्च हो जाएगा ये टोकन, देन आप चेक करना कॉइन मार्केट कैप है तो वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि ओनली टोटल सप्लाई का 5.28% ही सर्कुलेशन में रहने वाला है। टोटल सप्लाई तो इतना है बट इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होगा ये 523,717 सुई टोकन ही सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद सुई के नेटवर्क पे होने वाला है क्योंकि इसका अपना खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अब यहां पर आपको बता दें कि यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दो टोकन की आवश्यकता पड़ेगा, या तो आपके पास BNB होना चाहिए या फिर TUSD, दोनों में से कोई एक होगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोनों की आवश्यकता नहीं है। BNB अगर आपके पास है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, TUSD है तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो BNB स्टेक करेंगे, जो लोग BNB को स्टेकिंग पे लगाएंगे तो उनको 80% जो टोटल रिवॉर्ड में दिए जाएंगे ना, 40 मिलियन टोकन रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसमें से 80% यानी 32 मिलियन जो है
सुई टोकन बीएनबी स्टेक करने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20% यानी 8 मिलियन जो होगा सुई टोकन वो टीयूएसडी स्टेक करने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया। और डेली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ 2 दिन का चल रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा डेट, देखेंगे ये इवेंट जो है सिर्फ 2 दिन के लिए चल रहा है, एक मई से लेकर 2 मई के बीच में, ठीक है, 1 मई से 2 मई के बीच में, यानी 2 दिन का इवेंट है। और जिसमें रिवॉर्ड रखा गया है यहां पर देखेंगे 20। चलो ये सब जानने से कोई मतलब नहीं है, केवल टाइम पास है, ये सब नहीं बताते, आप सीधा बताते हैं आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल आ जाते हैं, बाइनेंस पे आओगे और यहां पर अर्न सेक्शन में आएंगे तो लॉन्च पैड दिखेगा, लॉन्च पैड पे आप क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा लॉन्च पैड लॉन्च पूल, ठीक है, लॉन्च पूल पे चले आना है। लॉन्च पूल पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा सुई टोकन, ठीक है, इसका डिटेल आपको थोड़ा दिख रहा होगा। और ये स्टार्ट फार्मिंग के जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी आप स्टेकिंग लगाओगे और जैसे स्टेकिंग लगाओगे आपको रिवॉर्ड हर घंटे मिलेगा। यहाँ पर रिवॉर्ड जो है हर घंटे मिलेगा। मान लो कि आपके पास बीएनबी है तो बीएनबी वाले बटन पे यानी स्टेक नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहां पर आओगे तो यहां पर जो आपके वॉलेट में जो बीएनबी होगा ना, क्योंकि आपके पास बीएनबी होना चाहिए तभी आप पार्टिसिपेट करोगे, तो अगर बीएनबी होगा तो यहां पर बैलेंस आपको शो करेगा कि कितने आपके पास बीएनबी है। मेरे पास आपको दिख रहा है 0.0008 बीएनबी मेरे पास, यानी ना बीएनबी, $1 का भी बीएनबी मेरे पास नहीं है और मैं पार्टिसिपेट भी नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि आप पार्टिसिपेट कैसे करोगे, लेकिन मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लॉन्च पूल पे पार्टिसिपेट करने का, कि जब भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं या तो इसका इवेंट 2 दिन का हो या फिर 1 हफ्ते का हो, 1 वीक का हो, उस बिटवीन में मैंने देखा है कि लॉन्च पूल पे खास करके इस बीएनबी का प्राइस जो है ना घटते जाता है। तो ओवरऑल रिवॉर्ड में हमें सुई टोकन या कोई अदर टोकन मिला तो जरूर, लेकिन बीएनबी का वैल्यू ही घट गया। हमने खरीदा $100 का बीएनबी और जब उसको बेच रहे ना तो $100 से कम बीएनबी मिल रहा है, यानी जो रिवॉर्ड मिला उससे ज्यादा हम नुकसान कर बैठे हैं। तो इसलिए हम पार्टिसिपेट यहां नहीं कर रहे। बाकी आपकी इच्छा, मैं केवल आपको बता रहा हूं, आपकी इच्छा, आपको पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन डू इट, आप पार्टिसिपेट यहां पर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास बीएनबी होगा जो आपने बाई किया होगा तो यहां पर आपको अवेलेबल बैलेंस दिखेगा कि कितने बीएनबी है। केवल स्टेक वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जितना बीएनबी आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर टोटल बीएनबी लगाना है तो मैक्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे और स्टेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका बीएनबी स्टेकिंग पे लग जाएगा, ठीक है, स्टेकिंग पे आपका बीएनबी लग जाएगा। और यहां पर आप आज भी लगा सकते हो, किसी भी टाइम में, नाइट में लगाओ, इवन कल तक, जब तक कि इवेंट एंड नहीं होता तब तक आप कभी भी बीएनबी स्टेक पे अगर लगाओगे और 1 घंटे के बाद आपका रिवॉर्ड यहां पर शो करेगा। यहां पर आपको दिख रहा है अनक्लेम रिवॉर्ड, यहां पर 1 घंटे जैसे स्टेकिंग पे लगाओगे तो यहां पर 1 घंटे के बाद आपका यहां पर कितना स्वीट टोकन आपको मिला है वो यहां पर शो करेगा, ठीक है। और उसको क्लेम करने के लिए क्लेम रिवॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है, यानी मान लो आपको दिखेगा 1 घंटे के बाद चेक करेंगे तो यहां पर स्वीट टोकन दिखेगा कि कितने टोकन आपको मिले हैं और यहां पर उसके बाद आप क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करोगे तो यहां से हट कर चला आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है, यहां पर वो दिखेगा। जब जब करोगे ये टोटल जुड़कर यहां पर दिखेगा और ये बैलेंस कहां जाएगा, आपके स्पॉट वॉलेट में जाएगा। कहां जाएगा बैलेंस, स्पॉट वॉलेट में। जब इवेंट एंड होगा ना तो आप चेक करना, स्पॉट वॉलेट में स्वीट टोकन दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर 1 बीएनबी भी होल्ड करोगे ना तो बहुत ही कम पॉइंट में मिलता है टोकन, पॉइंट में मिलता है तो कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। फायदा उन लोगों के लिए है जो 1000, 2000, 5000 बीएनबी होल्ड करेंगे, स्टेकिंग पे लगाएंगे, उनको फायदा होता है, ठीक है। 1 बीएनबी, 2 बीएनबी, 5 बीएनबी वाले इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ में आ गया कि आप पार्टिसिपेट करो कैसे करोगे। अब मान लो कि आपने बीएनबी स्टेकिंग पे लगाया, जब मन होगा आपको बीएनबी को निकालना आप निकाल सकते हो, जब आपकी मर्जी होगी तब। ऐसा नहीं कि 2 दिन का इवेंट है तो 2 दिनों के लिए आपका बीएनबी लॉक है या टीयूएसडी लॉक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन हुआ कि अभी आपने स्टेकिंग पे लगाया और 1 घंटे के बाद आपको रिवॉर्ड मिला और आपका मन हुआ कि हम पैसे निकाल लेते, बीएनबी को अनस्टेक कर देते हैं, तो अनस्टेक आप इजी तरीके से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो और उस बीएनबी को सेल भी कर सकते हो। तो यहां पर रिडीम का ऑप्शन आपको इनेबल दिखेगा, ठीक है, अभी मेरा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आप पार्टिसिपेट करोगे, स्टेक पे लगाओगे तो रिडीम का ऑप्शन होगा, रिडीम वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आप इसको अनस्टेक करके बीएनबी को आप बेच सकते हो या कुछ और में काम में यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाइनेंस के लॉन्च पूल पे। अब बात करते हैं सीधा कि कितना ये पंप कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखें इसके जस्ट पहले, अगर आप देखोगे इसके जस्ट पहले, इस सुई टोकन के पहले कौन सा अदर टोकन आया था, RDNT, इसके अंदर अगर देखेंगे ना तो अगर आप चेक करोगे इस टोकन को बाइनेंस पे तो RDNT जब ये इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो ये कम से कम जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो अगर हम देखें, अगर ये रिकॉर्ड है बाइनेंस का, कि जनरली होता क्या है
कि जैसे ही अगर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी सुई टोकन का भी, तो 2 से 5 गुना का पंप आपको इजी तरीके से दिख जाएगा। 2x से लेकर 5x तक का पंप आपको इजी तरीके से दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। जैसे कि हम देखते हैं ये यहां पर आप निकालोगे, अगर हम चार्ट को देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा किस तरीके से ये पंप किया था। यहां से सीधा यहां पंप किया था, ऑलमोस्ट 2x हुआ था, 2x हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे, जो स्वीट टोकन मिल गया, अब वो लोग क्या करेंगे, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये सुई टोकन को खरीदना चाहेंगे जैसे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग भी सुई टोकन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जब ये पंप हो जाए, क्योंकि पंप तो जैसे लिस्टिंग होगी सडन ये कैंडल बनेगा, तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो खरीदने का मौका नहीं मिलेगा तो आपको उसके बाद आप, मैं बता देता हूं, जब तक कि 70% रिटेस्ट ना हो, 50 अगर ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो तो 50% भी, 50% भी अगर रिटेस्ट करे यानी प्राइस नीचे आ जाए, तब आप री एंट्री कर सकते हो, यानी एंट्री बना सकते हो। जो लोग नहीं खरीदे तो वो एंट्री बना सकते हो रिटेस्ट के बाद, लेकिन मिनिमम 50%, मैं कहूंगा कि 70% रिटेस्ट होने दे। अगर 70% प्राइस जो पंप किया, जो कैंडल देखेंगे वीक बनेगा, वहां से 70% अगर उसकी प्राइस नीचे गिर जाए, देन री एंट्री करना, तो वो आप देखना कुछ दिन में आपको प्रॉफिट देगा। जिस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिल रहा है RDNT में, यहां पर सडन पंप हुआ, लगभग 2x का ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिला था, 2x का ग्रोथ देखने को मिला था। फिर इसके बाद अच्छा खासा ये क्या हुआ, नीचे इसका प्राइस आया, ठीक है। और यहां प्राइस आने के बाद फिर एक नया हाई बनाया, ठीक है। तो अगर आप यहां से प्रॉफिट निकालना चाहते हो ना इस स्वीट टोकन से, तो पहला कैंडल जो बनेगा बड़ा सा लंबा सा, वो तो पकड़ में नहीं आएगा। अगर पकड़ में नहीं आया, आप फिर भी खरीदना चाहते हैं, तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, 70% वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके पैसे का रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि RDNT का आप तो देख लिए, लेकिन स्वीट टोकन की बात करें तो स्वीट टोकन कम से कम जो है 2x से 5x ग्रोथ लेगा, उससे भी ज्यादा ले सकता है। लॉन्च पैड पे जो टोकन आते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा पंप होता है, 20x से भी ज्यादा, 30x 50x तक पंप होता है। लेकिन अगर हम देखें लॉन्चपुल वाले टोकन, तो 2x से 10x तक भी जाता है। तो यहां पर 2x से 5x का एक्सपेक्ट रख सकते हो, स्वीट टोकन पंप कर सकता है। प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट का रिव्यू कभी एक और वीडियो में करेंगे सुई टोकन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो डिटेल बनाएंगे कि कैसा प्रोजेक्ट है। ऐसे ओवरऑल फर्स्ट इंस्टेंस में बात करेंगे तो अच्छी प्रोजेक्ट है, जो इथेरियम किलर, इसको भी कहा जा रहा है, इसको भी इथेरियम किलर बोला जा रहा है। तो खैर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।